काफी पसंद आ रहा है वो है इंसेक्टिसाइड्स इनका। ओवरऑल अगर इसका परफॉर्मेंस देखें तो पिछले साल लगभग इसी समय अप्रैल मिड अप्रैल मई में ये एक अच्छे कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा था एंड वहाँ पर एक ही क्वार्टर में लगभग 50% की अपसाइड यहाँ पर अनलॉक हुई थी। तो काफ़ी सिमिलर पैटर्न स्ट्रक्चर्स है अगर हम वीकली चार्ट्स देखें तो वहाँ पर एक क्लासिक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर फॉर्मेशन एग्जिबिट हो रहा है एंड जिसका ब्रेकआउट आज के सत्र में ऑलरेडी आ चुका है। तो जिस तरीके से ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन है इसके प्राइस टारगेट्स लगभग अराउंड 930 के आसपास के आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर 30-35% की अपसाइड आप कैपिटलाइज कर सकते हो। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है लगभग 650 का जो बेस है वहीं पे लगाना चाहिए। जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है अगले 3 से 6 महीने में ही ये पर्टिकुलर टारगेट्स अचीव हो जाने चाहिए। खरीदारी करनी है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया में, स्टॉप लॉस लगाना है 650 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड पैटर्न टारगेट हो सकता है लगभग 930 का। इंद कॉपर, इसका आप 125 के स्ट्राइक का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए, जो मिल रहा है अभी आपको 5 रुपए 40 पैसे, 5 रुपए 50 पैसे के आसपास, इसको खरीदना है। दी रिस्क और पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत ही पसंद है ये स्टॉक एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंट ब्रेकआउट है, अभी में अभी आया है और नेक्स्ट टारगेट जो इसका स्पॉट में निकल कर आ रहा है वो 135 का है दीपांशु, यहाँ से तो सीधा आपको 7.5 पॉइंट यानी कि लगभग 5% एंड मोर के आपको लेवल्स देखने मिलेंगे एंड वो लेवल्स अगर निकलते तो लगभग 140 की तरफ भी जा सकते हैं। तो 5.4-5.5 के आसपास इसको खरीदना है, स्टॉप लॉस जो नीचे में प्लेस करना है दीपांशु नेटवर्क भी एक 3.7 3 रुपए 70 पैसे पे आप स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट जो इसका निकल कर आ रहा है दीपांशु 11 रुपए का है 11 एंड सेकंड टारगेट वो भी 13.75। सो 11 एंड 13.75 ये जो टारगेट के लिए खरीदे, बिकॉज अगर 140 तक जाता तो अदरवाइज तो इंटरेस्टिंग वैल्यू 15 भी हो सकती है। सेकेंड टारगेट हम 13 रुपए 75 पैसे का रखेंगे। हिंदुस्तान कॉपर में जो हिसाब से इनफैक्ट मेटल्स में एक्शन देखने मिल रहा है, बट हिंद कॉपर काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा था और कंसोलिडेशन का फाइनली ब्रेकआउट आया, सो आई थिंक अराउंड 135 लेवल्स तक कोई रुकावट नहीं है अब ये स्टॉक में एंड वो निकलते ही 140 के और भी जाएगा। सो एक अच्छा मूव नेक्स्ट कुछ फ्यू ट्रेडिंग सेशन से आज देखने मिल सकते हैं।